आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चा किस तरह से बार बार लोगों से गुहार लगा रहा है कि उसके पापा को बचा लिया जाए। इस बच्चे की उम्र महज 10 साल है। लोग तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए उन लोगों की जो इसके पिता को बुरी तरह पीट रहे हैं, तो वो पुलिस वाले हैं, कानून के रखवाले हैं। लेकिन शायद ये पुलिस वाले नहीं जानते कि इस बच्चे की मानसिकता पर कितना बुरा असर पड़ेगा जब ये बच्चा ये देखेगा कि प्रशासन को चलाने वाले पुलिस अधिकारी किसी इंसान के साथ खुलेआम सड़क पर किस तरह का व्यवहार करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक सवाल है कि इस बच्चे का मानसिक स्तर कैसा होगा पुलिस वालों को लेकर, जब वो इस तरह से इसके पिता को पूरी तरह मारते हुए देखता है चौक पर और सबसे गुहार लगाता है कि मेरे पिता को बचा लो। कोई दो राय नहीं है कि दिल झकझोर के रह जाता है जब ये तस्वीर आप देखते हैं, बहुत मार्मिक है। वहीं सवाल ये उठता है कि ये पुलिस वाले जो भर्ती किए जाते हैं, इनकी तरबियत, इनकी एजुकेशन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? इन्हें कानून का ज्ञान है या नहीं है, क्या इनसे पूछा जाता है? और क्या ये पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि कानून का पालन कैसे करवाया जाता है? और इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो ये शख्स नजर आ रहा है, इसका अपराध ये है कि इसने मास्क नहीं लगा रखा। घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की घटना जब वायरल हुई, इंदौर की घटना बताई जा रही है, जहां मास्क न लगाने पर एक युवक को बड़ी बेरहमी से दो पुलिस वालों ने बीच सड़क के पीटा उसके छोटे बच्चे के सामने। वीडियो वायरल हुई, उसके बाद ये दोनों सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन सवाल बहुत से हैं, क्या मास्क न पहनना इतना बड़ा जुर्म है? ये बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या इसकी आंखों में पुलिस वालों की छवि किसी अच्छे व्यक्तित्व की रहेगी? और वहीं आखिरी सवाल ये है कि अपराधियों में और पुलिस में क्या अंतर है, ये कौन समझाएगा? अगर आप संविधान समझें, अगर आप कानून समझें, अगर आप प्रशासन समझें, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी तरह से प्रशासन को काबू में करना। पुलिस का काम मारपीट करना नहीं है, गुंडागर्दी करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस बल का प्रयोग तब करती है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब रिक्रूटमेंट की जाती है, जब नौकरी दी जाती है किसी को भी पुलिस की, तब ये बातें क्यों नहीं समझाई जाती कि कानून क्या है, कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब व्यवस्था को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। कानून का मतलब गुंडागर्दी नहीं है, मारपीट करना कतई नहीं है। और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसे जाहिल लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती है, जिन्हें इतना तक नहीं पता कि एक 10 साल के छोटे बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा जब आप उसके सामने उसके पिता को लेटा लेटा कर मारेंगे। इस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।